उस काल हिंदी भी हमारी उच्च पद पाती रही। हाँ कई भाषाएं आई पर हिंदी लिखी जाती रही। श्री सूर तुलसी गुप्त दिनकर कवि बिहारी सम हुए, जिनकी रचनाओं को पढ़ के हमारे विचार उद्गम हुए। नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के विश्व हिंदी दिवस के विशेष कार्यक्रम में। आज हमारा देश विश्व हिंदी दिवस को मना रहा है और इसके साथ साथ हम यहाँ पर हिंदी की नब्ज टटोलने के लिए आए हैं। जी हाँ, हिंदी की नब्ज हम जरूर एक बार टटोल लेते हैं कि क्या कुछ हमारे सामने समस्याएं हैं हिंदी को लेकर। इतना कुछ कहा गया है, इतना कुछ लिखा गया है, लेकिन फिर भी आज हिंदी के सामने कई सारी समस्याएं हैं कि वो विश्व भर में एक संपूर्ण भाषा के रूप में हमारे समक्ष आए। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है और इनको किन किन स्तरों पर हमें और निखारने की जरूरत है, वो हम आज इस विशेष परिचर्चा में बात करेंगे। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि हिंदी हमारे दिलों की भाषा है, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे मस्तिष्क में चल रहे उन छोटे छोटे भावों की भाषा है जिन्हें हम अपनी भाषा में ही उत्कृत करते हैं। जी हाँ, भाषा कोई भी हो लेकिन उसके भाव जो मन से आते हैं, उस भाव की भाषा आज हिंदी बनने में सक्षम हो गई है। और आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी सीखी जाती है और लोग हिंदी में नई नई रचनाएं कर रहे हैं। बस जरूरत है कुछ और कदम उठाने की और निश्चय ही हिंदी विश्व भाषा के रूप में हमारे सामने आएगी और वो दिन मुझे लगता है कि दूर नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाही अकेशूल। जी हाँ, अगर हम अपनी भाषा नहीं जानते तो इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। आज की इस विशेष परिचर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराती हूँ और फिर हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं सत्यनारायणा जी, जो कि डीएवी स्कूल से हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वहां के प्रमुख हैं हिंदी विभाग के, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं श्रीमती बेला जी, जो कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में हैं और वहां पर अभी हेड कर रही हैं उस संस्थान को। साथ ही हमारे साथ हैं आज रमेश कुमार मिश्रा जी, जो कि पावर ग्रिड में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है राजभाषा हिंदी के, और राजभाषा हिंदी के सभी कार्य इनके अंतर्गत किए जाते हैं। ये उनको देखते हैं कि किस तरह से पावर ग्रिड में जिस तरह से पावर सप्लाई की जाती है, उसी तरह से हिंदी का कैसे वहां पर संचरण हो रहा है, वो हमें बताएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक बार आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है सत्यनारायणा जी से, आप मूल रूप से तेलुगु भाषी हैं, तेलुगु भाषी होने के बावजूद आपने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो हिंदी में चुना या हिंदी भाषा को आपने चुना, ऐसा क्यों? हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे सब लोग समझ सकते हैं और हिंदी भाषा के सीखने के बाद कोई भी देश के किसी भी कोने में अपने निजी कार्य के अवसर पर हो या व्यावसायिक कार्य के अवसर पर हो, अपने काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। और हमारे बड़े लोग भी यही कहते थे, अगर आप हिंदी सीखेंगे तो भारत के किसी भी कोने में जाइए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने हिंदी को चुन लिया है और हिंदी क्षेत्र में आ गया हूँ। जी, बहुत आपने अच्छी बात बताई कि अगर आप एक भाषा सीख लेते हैं तो आपके जैसे बुजुर्गों ने बताया कि भारत में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सत्यनारायणा जी, आज जब हम विश्व हिंदी दिवस के मौके पर यहाँ एकत्रित हैं तो मैं ये बिल्कुल कहने में गर्व महसूस करूंगी कि ये भाषा केवल देश में ही नहीं, आज विदेशों में भी हमें सुनने को और देखने को मिल रही है और कई सारे कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं। मैं मैडम कार्यक्रम की बात आती है तो आपकी तरफ रुख करती हूँ, आप थोड़ा सा अपने संस्थान के बारे में बताइए और फिर हमें ये बताइए कि ये विश्व हिंदी दिवस जो है वो कैसे इसकी शुरुआत हुई। विश्व हिंदी दिवस का प्रतिपादन 10 जनवरी के दिन नागपुर में हुआ था, वहां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन की सफलता को देखते हुए 10 जनवरी के दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का
की प्रतिबद्धता उस दिन आरंभ की गई। जी, यह दिन विशेष रूप से उल्लास, उत्साह और ऊर्जा का दिन है। ये सभी हम हिंदी भाषियों और विशेषकर भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि हिंदी भारत की सीमाओं से निकलकर विदेशों तक भी पहुंच पाई है। तो उसके लिए हम सब बहुत ही उत्साहित हैं आज के दिन, और चाहते हैं कि जिस तरह अंग्रेजी ने अपना आधिपत्य बनाया है, उसी तरह हिंदी भी एक समय ऐसा आएगा कि हिंदी भी भारत की सीमाओं से निकलकर सारे विश्व पर छा जाएगी। बिल्कुल मैम। मैम, हम जानना चाहेंगे साथ ही कि आप जिस संस्थान में काम करती हैं, वो क्या मतलब किस तरह से काम कर रहा है हिंदी को लेकर? अनुराधा जी, मैं उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हूँ हिंदी शिक्षण योजना हैदराबाद में। हिंदी शिक्षण योजना केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। जी, हमारा जो मूल कार्य है, केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को, जो हिंदी तर कर्मचारी व अधिकारी हैं, उन्हें उनके हिंदी के ज्ञान के अनुसार चार प्रकार के प्रशिक्षणों से प्रशिक्षित करना, ये हमारा मूल कार्य है। तो ये आप मतलब हर सब कार्यालयों में जाते हैं और आप लोग सबको प्रशिक्षण देते हैं? जी जी, बहुत अच्छा है मैम। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। हाँ। मैं रमेश मिश्रा जी के पास रुक करती हूँ। आप पावर ग्रिड में हैं, किस तरह से जब हम लोग एक ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद कैसे आप काम करवाते हैं वहाँ के जो कार्मिक हैं? प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कार्मिक मुख्य रूप से शैक्षिक स्तर पर तो पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं, बट जब विभिन्न शब्दावलियों से उनका सामना होता है तो ये प्रशिक्षण निसंदेह बहुत ही सहायक होता है, और उन शब्दावलियों को उपयोग करते हुए वो लोग अपने जो रोजमर्रा के कालीन कार्य हैं उनको करने में सफल हो पाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि से फिर जब कार्यान्वयन के हम स्तर पे पहुंचते हैं, तो कार्यान्वयन पे स्तर पे हमें बहुत ही आवश्यक होता है कि हम विभिन्न जो हमारा ज्ञान है हिंदी कार्य संबंधी, उसके सापेक्ष में हम लोग कार्य करते रहें और कार्यालय के पत्राचार को निश्चित रूप में बढ़ाते रहें। बहुत बढ़िया। मैं जब आपका प्रोफाइल देख रही थी तो मैंने ये देखा कि आप वैसे आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, तो ये एक उत्सुकता मेरे मन में थी कि मैं ये जानूं कि एक व्यक्ति जब इंजीनियरिंग, जो 4 साल की बहुत ही गहन पढ़ाई होती है टेक्निकल क्षेत्र में, वो करने के बाद किस तरह से आपने हिंदी की तरफ रुख किया। ये प्रश्न कई लोगों का है, हमारे कार्यालय में भी बहुत लोगों ने इस प्रश्न को पूछा, जैसे मैंने अपनी मेरी तैनाती हुई कार्यालय में। मुख्यतः मेरा सोचना यह है कि अगर मैं एक तकनीकी संस्थान में कार्यरत हूँ और अगर मुझे तकनीकी ज्ञान है और मैं उसके साथ साथ हिंदी की सेवा भी करता हूँ, तो मुख्य रूप से जो तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे कार्मिक हैं उनको बहुत ही ज्यादा सहायक होता है इस चीज को समझना, क्योंकि मैं उनके रोजमर्रा के कार्यों से भी परिचित हूँ। हाँ। और किन किन पहलुओं पर, किन किन विषयों पर उन्हें सावधानी रखनी है हिंदी के कार्यान्वयन में, तो मैं उसमें उनकी बहुत ही सहायता कर सकता हूँ और मैं करता भी हूँ। शायद यही मेरा उद्देश्य रहा कि मैं तकनीकी के साथ साथ हिंदी की सेवा कर सकूं। बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज हमारे सभी के सामने कि एक व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए भी वो हिंदी को अपना सकता है, या हिंदी के प्रति उसकी जो रुचि है वो कभी भी आ सकती है। चाहे हमने देखा है कि कई सारे ऐसे जो कवि हुए हैं, खासतौर पर जो बड़े कवि राष्ट्रकवि के तौर पर हमने देखे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग रहा है, लेकिन उन्होंने हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। मैडम, मैं आपकी तरफ फिर रुख करती हूँ। आप अभी हमें थोड़ा सा बताइए किस तरह से आप लोग ये प्रशिक्षण देते हैं और कितने इसमें लेवल्स होते हैं, या किस तरह से आप लोग चयन करते हैं कि इस व्यक्ति को इस परीक्षा के लिए चुना जाए? अभी मैंने आपको बताया कि हम 4 स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं, न केवल भाषा प्रशिक्षण अपितु हमारे यहाँ टंकण आशुलिपि का भी हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रथम जो पाठ्यक्रम है होता है हमारा प्रबोध। प्रबोध का अर्थ होता है किसी मतलब विषय के संबंध में बोध, अर्थात परिचय प्राप्त करना, तेलुगु में भी बोधिनचुटा कहा जाता है, संस्कृत का शब्द है। तो ऐसे स्तर, इस स्तर में उन कर्मचारियों और अधिकारियों को हम नामित करते हैं जिन्होंने अपने स्कूली स्तर पर कभी हिंदी भाषा का ज्ञान औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं किया है। दूसरा स्तर है प्रवीण, जिसे आप अंग्रेजी में एफिशिएंट कह सकते हैं। उसमें जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने कक्षा 8वीं तक पढ़ाई की है हिंदी की,
और जो तकनीकी क्षेत्र में है, जैसे आपके यहाँ DRDL, DMRL, DL या कह लीजिए अन्य जो लैब्स हैं जी, या अन्य तकनीकी जो संस्थान है, वहाँ के कर्मचारी 8वीं तक जिन्होंने हिंदी का ज्ञान हासिल किया हो, उन्हें हम प्रवीण स्तर में शामिल करते हैं। तीसरा स्तर है प्राज्ञ। प्राज्ञ बिल्कुल प्रशासनिक शब्दावली पर आधारित पाठ्यक्रम है, और जो व्यक्ति प्रबोध और प्रवीण उत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें हम प्राज्ञ में शामिल करते हैं, अथवा जिन्हें पहले से हिंदी का प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का ज्ञान है जी, उन्हें हम प्राज्ञ में सीधे शामिल करते हैं। प्राज्ञ पास करने के बाद उस अधिकारी और कर्मचारी को कार्य साधक प्राप्त मान लिया जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में 2015 में प्राज्ञ के पश्चात एक और पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है राजभाषा विभाग में, जिसका नाम है पारंगत। और जिन व्यक्तियों को कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होता है हिंदी का, वे सारे, चाहे उनकी मातृभाषा हिंदी क्यों ना हो, वे इस पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं। जी, बहुत आपने बढ़िया जानकारी दी, और मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे उनको अगर इस बारे में जानकारी नहीं होगी तो उनको ये जानकारी मिल जाएगी, और वो भी अपने कार्यालय में जाकर निश्चय ही इसमें अपने आप को भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करेंगे। सर, मैं आपको जब देखती हूँ विद्यालय का माहौल मेरे मन में उमड़ पड़ता है। विद्यालय में बच्चे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और वो अपने अलग अलग भाषा भाषी के मतलब लोग होते हैं, और अपनी भाषा मूल भाषा के साथ वहां पर आते हैं, तो कितनी परेशानी होती है आप लोगों को उनको हिंदी पढ़ाने में, समझाने में, या क्या कुछ कठिनाइयां आप लोग देखते हैं? हिंदी भाषी प्रांतों में जिनकी मातृभाषा तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम या कन्नड़ा हो, उन पर मातृभाषा का प्रभाव ज्यादा होता है। मातृभाषा के माध्यम से हम दुनिया की किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी लक्ष्य भाषा को पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप तुलनात्मक ढंग को अपनाइए, क्योंकि हिंदी और तेलुगु की वर्णमाला में स्वरों में अंतर है। जैसे तेलुगु में ए ए आई, लेकिन हिंदी में ए आई। तेलुगु में ओ ओ औ, लेकिन हिंदी में ओ औ। बच्चों को यहीं पर परेशानी होती है, कौन सी मात्रा लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही चीज पकड़ ली है और यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसे बहुत सारे लोगों का लाभ होने वाला है। और फिर आप लोग क्या करते हैं इसके लिए? इसके साथ साथ उच्चारण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उच्चारण के साथ साथ लिखने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चा हिंदी के बारे में यही सोचते हैं, अगर हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे अध्यापक हमारी गलती पकड़ लेंगे, सबके सामने डांटेंगे, तो इससे बेहतर है चुप बैठना। लेकिन इस तरह के भाई को निकालने का काम अध्यापक के ऊपर है। बिल्कुल। बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करते हुए उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। अगर गलतियां हो तो उन्हें प्यार से सुधार लीजिए, तब बच्चा उस लक्ष्य भाषा को सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। जी, उत्सुक होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर अध्यापक बचपन से ही बच्चों पर ध्यान दें तो वो भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, और वो भाषा सीखने के बाद जब वो वयस्क होते हैं, एक कार्मिक बनते हैं, उसके बाद वो कार्यालय में आते हैं, और कार्यालय में आने के बाद जो हिंदी की स्थिति है, जो काम करने की अभी, उस पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कैसी स्थिति है आपके कार्यालय में अभी, और कितना और हमें प्रयास करने की जरूरत है। हिंदी उच्चारण पे आधारित भाषा है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और जब शिक्षण प्राप्त करने के बाद कार्मिक किसी कार्यालय में कार्यरत रहता है, तो उस कार्यालय में चूंकि कागजों पे कार्य तो बहुत ही कम होता है, अधिकतर कार्य अभी कंप्यूटर के द्वारा होने लगा है, तो उसको प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। कंप्यूटर पे वो उन्हीं हिंदी को जो अपना ज्ञान है उसको वो कागज के पटल पर अंकित कर सके, तो उसके लिए हम लोग मुख्य रूप से यूनिकोड फॉन्ट जो हमारा कार्य करता है कंप्यूटर में, और अभी तो वॉइस टाइपिंग भी आ गई है। हाँ। अगर आपको जैसे कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर हम हैं, तो हम बोल बहुत अच्छा लेते हैं, लिखने में भले हमारा हाथ तंग हो, बट अगर हम बोलेंगे स्पष्ट तो वॉइस टाइपिंग के द्वारा वो ऑटो करेक्ट भी करते हुए उसको ठीक करेगा। अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा एक उपकरण आया। अब जैसे कि आपने चर्चा की कि कार्यान्वयन के लक्ष्य और उसको लेके, तो कार्यान्वयन के लक्ष्य मुख्य रूप से जो है राजभाषा विभाग ने 3 क्षेत्रों में बांट रखा है हमारे राज्यों को, भारत के, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। का क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्य हैं,
खा क्षेत्र में आंशिक हिंदी भाषी राज्य हैं और गा क्षेत्र में गैर हिंदी भाषी राज्य हैं जिन्हें हम हिंदी भाषी भी कहते हैं। चूंकि मेरा कार्यालय जहां मैं तैनात हूं अभी वो गैर हिंदी भाषी कार्यालयों में आता है, तो हमारा जो लक्ष्य है वो 55% का है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी दो जद्दोजहद होती है एम्प्लॉय को, जो जैसा कि सर ने जिक्र किया कि प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षण के द्वारा और फिर कार्यान्वयन का स्तर हम लोग के उस पे आता है, तो हम लोग उस पे प्रयास करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से हमारा लक्ष्य कार्यालय का अभी जो 55% के अनुरूप से ऊपर ही चल रहा है, हम लोग 62-63% कार्य हिंदी में। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है आपके कार्यालय में। मैडम, जब प्रशिक्षण की बात आई और उसके बाद जो उसको हम लोग काम करने के स्तर पर लेकर जाते हैं, तो जैसा मेरा ज्ञान है गृह मंत्रालय का ये आदेश है कि हिंदी भाषा किसी पर थोपी नहीं जानी चाहिए, इसको प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ इसको आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन के साथ। तो आप बताइए, जब हम प्रशिक्षण बचपन से, ये मेरा मानना है कि मनुष्य का एक प्रवृत्ति होता है कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमें आशा होती है कि हमें कुछ प्राप्त हो। तो जिस तरह से हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उसके बाद हमें क्या कुछ प्राप्त होता है, कुछ हमें लाभ होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा अनुराधा जी। हिंदी के जो मैंने चार पाठ्यक्रम आपको बताए हैं जी, उन्हें उत्तीर्ण करने के बाद हर परीक्षा के बाद उन्हें पहली दो परीक्षाओं में प्राज्ञ और प्रवीण में नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक राशि दी जाती है, निश्चित राशि। प्राज्ञ में एक वर्ष अर्थात एक कह लीजिए एक साल के लिए उन्हें वेतन वृद्धि, अच्छा, या जिसे आप पर्सनल पे जी या इंक्रीमेंट कह लीजिए, केवल एक साल के लिए उन्हें एक स्पेशल पे के तौर पर उपहार स्वरूप दी जाती है और उसके अलावा उसमें नगद पुरस्कार भी मिलता है। अच्छा। इसके अतिरिक्त वेतन वृद्धि के अतिरिक्त पारंगत में बहुत ही अच्छा प्रावधान रखा है गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग ने। इसमें 3 स्तर के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पहले पुरस्कार की राशि है 4,000, दूसरे की 7,000 और तीसरे की 10,000। तो इतना अच्छा कह लीजिए प्रोत्साहन राजभाषा विभाग और हिंदी शिक्षण योजना द्वारा दिया जा रहा है ताकि लोग अधिकाधिक हिंदी में प्रशिक्षित हो जाएं और न केवल प्रशिक्षित हो जाएं बल्कि बाद में उसका प्रयोग भी आरंभ करें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजभाषा नीति उदारता पर आधारित है, इसमें कहीं भी कठोरता का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए सरकार को विश्वास है कि आप जब प्रशिक्षित हो जाएंगे और वेतन वृद्धि और आदि जो सारे प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक भारतीय नागरिक के नाते जरूर हिंदी में कार्य करेंगे। जी, और वो दिन दूर नहीं होगा जब कार्यालयों में हम सिर्फ हिंदी में काम करेंगे। बिल्कुल। सर, मैं जब स्कूल की तरफ हम लोग आते हैं तो अक्सर ये सवाल आता है कि बच्चों का फोकस हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा होता है। वो बड़े होकर अगर आप किसी से पूछिए जनरली तो बच्चे कहते हैं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप लोग कैसे बच्चों के मन में ऐसे बीज डालते हैं कि वो भाषा की तरफ भी जाएं, लिटरेचर की तरफ भी जाएं, चाहे वो कोई भी लिटरेचर हो लेकिन विज्ञान के अलावा उनके मन में मतलब भाषा के प्रति प्रेम को कैसे आप लोग जगाते हैं? सही प्रश्न पूछे मैडम। कोई भी विषय हो, जैसे भौतिक शास्त्र हो या रासायनिक शास्त्र हो या गणित हो, उसे पढ़ाने के लिए भाषा की जरूरत होती है। जब भाषा में बच्चा सक्षम हो जाता है किसी भी विषय को आसानी से सीख सकता है। तो इसलिए पहले बच्चों के मन में यह भाव पैदा करना चाहिए कि अगर आपकी भाषा अच्छी हो आप किसी भी विषय को आसानी से सीख सकते हैं और किसी भी जगह पर आप अपने काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। पहले यह भाव बच्चों के मन में पैदा करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये भाव होने चाहिए। तो आप लोग भाषा को बढ़ावा देने के लिए कुछ अलग से कार्यक्रम वगैरह भी करते हैं? हाँ मैम, हिंदी दिवस के अवसर पर और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, जैसे कविता प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और बच्चे भी आगे बढ़ते हैं कि हाँ हम भी अपनी ओर से थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ तक मुख्य बात है कि हमें हिंदी की जो नई शब्दावली है वो बच्चों तक पहुंचाना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब हम बोलते रहते हैं वहां पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। जैसे हम कंप्यूटर कंप्यूटर कहते हैं, आप उसे कह दीजिए कंप्यूटर के लिए एक शब्द निश्चित है, संगणक।
आप संगणक का प्रयोग कीजिए, मोबाइल बोलते हैं आप मोबाइल की जगह चरवाणी का प्रयोग कीजिए। तो जो नई शब्दावली आने लगी है और उसे बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, और वो कभी भी भाषा का प्रयोग करेगा उन नए शब्दों का प्रयोग करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, तब बच्चा भी उत्सुकता से उस नई भाषा को सीखने के लिए आगे कोशिश करेगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नए शब्दों का जो संरचना हो रही है और जो नए शब्द हम लोग गढ़ रहे हैं उनका प्रचलन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ये तो बहुत ही एक अच्छी बात आपने बताई। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति हमारी चेंज हुई है, थोड़ी बदलाव हुआ है, तो उससे क्या हिंदी में फर्क पड़ा है? मैडम, एनईपी में भी यही बात कही गई है कि मातृभाषाओं को समायोजित करते हुए हिंदी भाषा को महत्व देना। यहाँ पर कहीं भी यह बात नहीं कही गई है कि हिंदी को निकाल दिया जाए। मातृभाषा के माध्यम से ही हिंदी भाषा को पांचवी कक्षा तक पढ़ाना, पांचवी कक्षा तक मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, अगर हो सके तो आठवीं कक्षा तक। यहाँ पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का दर्जा वैसे ही है, यहाँ कहीं पर भी हिंदी को महत्व कम देने की बात नहीं कही गई है। तो धीरे धीरे बच्चों में भी यह बात आएगी, अगर हम उच्च स्तर पर जाएंगे, नौकरी करने कहीं बाहर जाएंगे, हमें हिंदी भाषा को सीखना जरूरी है। जब हिंदी भाषा को सीखने के लिए वे आगे बढ़ेंगे तो उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर वो अपनी भाषा सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इस बार शिक्षा नीति में हुई है कि अपनी मातृभाषा को भी बढ़ावा दिया गया है। देखिए, अक्सर हम ये कहते हैं कि भारत एक बहुभाषी प्रदेश देश है और इसमें कई सारे अलग अलग सांस्कृतिक संस्कृति के लोग हैं और हमारी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, लेकिन फिर भी संपूर्ण भारत को अगर कोई एक सूत्र में पिरो सकता है तो निश्चय ही वो भाषा हिंदी है। जी, तो उसको हमें सीखना जरूरी है, और जब ये बात एक शिक्षक के मन में है तो वो जरूर बच्चों तक पहुंचती होगी, और आने वाला भविष्य जो है हमारा देश का वो निश्चय ही उज्जवल हाथों में है, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसा मानते हैं। हम आते हैं कार्यालयों की तरफ। सरकारी कार्यालयों में, चूंकि सरकारी कार्यालय में काम करना अपने आप में एक गौरव की बात होती है, हम सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे में अपनी भाषा को बढ़ावा देते हुए वो भी दक्षिण क्षेत्रों में, तो क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, किन कठिनाइयों का आप सामना करते हैं और कैसे उनका निवारण करते हैं? बिल्कुल सही विषय पे आपने परिचर्चा की। चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में मुख्य रूप से समस्या आती है कि जो हिंदी विषय होता है वो तृतीय विषय के रूप में पढ़ते हैं बच्चे लोग। प्रथम विषय उनकी मातृभाषा, द्वितीय विषय संभवतः अंग्रेजी, और तृतीय विषय हिंदी लेते हैं। तो दसवीं स्तर पे तो वो लोग उसको उत्तीर्ण करके आ जाते हैं, लेकिन जब कार्यालय स्तर पर आते हैं तो अपनी एक शब्दावली होती है हर एक कार्यालय की, तकनीकी शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, तो उन शब्दावली का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बट शब्दावली तक पहुंचने से पहले हमें मुख्य रूप से जो उन्होंने शिक्षण स्तर पर हिंदी पढ़ी है उस स्तर को समझना आसान है। आज के दिनांक में अगर हम बात करें तो सभी भाषाओं की जो लिपि है, मतलब अधिकतर भाषाओं की लिपि देवनागरी से मिली हुई है। आप बारह खड़ी उठा लीजिए, उनकी वर्णमाला उठा लीजिए, सभी हिंदी से मिलती जुलती हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत भेद है जिसको लेके हम कार्यरत होते हैं। तो शिक्षण स्तर पे वो ऑलरेडी अनुभव लेके आते हैं, शिक्षण लेके आते हैं कि उन्हें वो कार्य करना है। और अब कार्यालय स्तर पर क्या होता है कि आपको शब्दावली को उसी में समाहित करना है। और अभी तो भारत सरकार की तरफ से बहुत प्रकार की छूट दी गई है कार्य करने के लिए कार्यालयों में, कि आप जो तकनीकी शब्द हैं अगर आपको उसका बहुत क्लिष्ट हिंदी शब्द नहीं आता है तो आप उसको जैसा है प्रचलित शब्द का प्रयोग करके आप उनको उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि कार्यालयों में एक बहुत ही चीज है, क्योंकि आप विभिन्न भाषी क्षेत्रों के साथ कार्य कर रहे हैं तो सभी लोग तो उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो और आपको अपना प्रस्ताव भी बढ़ाना होता है, तो वो प्रस्ताव सबकी समझ में भी आए, तो सरल शब्दावली का उपयोग करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि सरल शब्दों का हमें प्रयोग करना है, और सरल शब्दों का प्रयोग करने से हम अपने बात का जो संप्रेषण है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से कार्य करने से हम जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। जी मैडम, मैं आप तो विभिन्न कार्यालयों में जाती हैं, हिंदी का प्रशिक्षण आप वहां पर देती हैं, तो क्या आप स्थिति देखती हैं कि कितना दूर हमारा जो लक्ष्य है कि हम निश्चित तौर पर मतलब हिंदी में संपूर्ण कार्य अपने कार्यालय का कर सकें, ऐसा आपको क्या लगता है कि कितना संभव है ये?
जी अनुराधा जी, मुझे तो हिंदी का और राजभाषा हिंदी का भविष्य उज्जवल लगता है जी, क्योंकि एक जागरूकता सी बढ़ गई है। इसका श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवश्य देना चाहूंगी। बिल्कुल, उनके ओजस्वी भाषण और उनकी जो शब्दावली है, उनकी कह लीजिए बोलचाल की भाषा में जो जुमलेबाजी है, उससे लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि हिंदी भाषी वर्ग भी अब उनकी मतलब उनके संबोधनों की ओर आकर्षित हो रहा है और उन शब्दों का अर्थ पूछते हैं। जब हम प्रशिक्षण कक्षाओं में जाते हैं या जाया करती थी मैं, तो लोग इतने प्रभावित होते थे कि मुझसे पूछते थे मैडम पीएम ने जो कहा उसका अर्थ क्या है। तो इससे लगता है कि लोगों के मन में प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान है, उस सम्मान को वे इस रूप में व्यक्त करते हैं कि उनके बोले गए जो भी वाक्य हैं उन्हें पूरी तरह से आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे इसका परिणाम लग रहा है, क्योंकि हम हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा। तो यदि उच्च स्तर के राजनीतिज्ञ या नेतागण पूरी तरह से मोटिवेटेड होंगे या हमें उत्प्रेरित करेंगे, तो निश्चय ही जनता भी और उनके कर्मचारी भी उनके प्रति निष्ठापूर्वक उनका पालन करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसा राजा होती है वैसी ही प्रजा होती है, और बल्कि मैं ये कहूंगी कि भाषा और संस्कृति जो होती है, मतलब संस्कृति की संवाहक जो होती है वो भाषा ही होती है, भाषा होती है। आप अगर विश्व में भी देखें तो कई सारी ऐसी संस्कृतियां आई जिनकी भाषा आगे नहीं बढ़ी, तो आज वो संस्कृतियां विलुप्त हो चुकी हैं। और इसके बारे में इकबाल जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कहा है कि यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। तो बिल्कुल ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल हमारे ऊपर चरितार्थ है, और हमारी भाषा जो हमारी संस्कृति की संवाहक रही है वो भले ही उसका स्वरूप बदलता रहा हो लेकिन वो आज भी कायम है। जी, जैसे हम हिंदी की ही बात करें तो अगर हम उत्तर भारत में जाते हैं तो हिंदी का स्वरूप आपको अलग देखने को मिलेगा, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ दक्षिणी हिंदी, मेरठ में जाइए तो वो अलग हिंदी, अलग खड़ी हिंदी हो जाती है, दिल्ली में जाइए वहां अलग हिंदी हो जाएगी। तो वो जहां हिंदी है उसका स्वरूप थोड़ा सा बदलता है लेकिन हिंदी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा इतनी उदार है कि वो दूसरे शब्दों को भी अपने साथ आत्मसात करती है। और यही कारण मैं मानती हूँ कि हमारी जो भाषा है वो निरंतर बनी हुई है। तो सर ये बताइए कि जैसा हमने कहा कि भाषा जो ग्रामर जो होता है व्याकरण, वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है किसी भी भाषा में। तो आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से हमारे जो प्रांतीय भाषाएं हैं और हिंदी है उसमें कितना अंतर है या कितना अलग? व्याकरण जो है दो पद्धतियों से पढ़ाया जाता है, एक आगमन और दूसरा निगमन। उदाहरण के माध्यम से परिभाषा को समझाना या परिभाषा के द्वारा उदाहरण समझाना। तो उदाहरण के अनुसार अगर बच्चों को व्याकरण पढ़ाएंगे बच्चा आसानी से सीख पाएगा, अगर व्याकरण के नियमों का बोझ उन पर डालेंगे बच्चों में व्याकरण के प्रति डर पैदा होगा और वो व्याकरण सीखने के लिए आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। जब उदाहरण के माध्यम से आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे बच्चा व्याकरण को समझेगा, जब व्याकरण पर उनकी पकड़ होगी तो वाक्य संरचना उनके लिए बहुत आसान होगा। जैसे अभी सर ने भी कहा था कि सरल वाक्यों का प्रयोग कीजिए, हम भी वही बच्चों से कहते हैं कि आप मिश्रित संयुक्त वाक्य की ओर मत जाइए, आप जो भी कहना चाहते हैं आसानी शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में, सरल वाक्यों के माध्यम से आप बोलने का प्रयास कीजिए। तो जिससे वे व्याकरण के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का डर भी नहीं होगा और बोलने के लिए बच्चे आगे बढ़ेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह की आवश्यकता होती है मेरा मानना है। अगर हम सही समय पर बच्चों में उत्साह पैदा कर दें, उनमें जो एक डर होती है किसी भाषा को या किसी नई चीज को लेकर, वो अगर निकल जाए तो निश्चय ही वो और आगे मतलब उस भाषा में अच्छा कर सकते हैं। तो व्याकरण की जब हम बात कर रहे थे तो विदेशी भाषाओं से हमारा जो भारतीय भाषाएं हैं उनका व्याकरण बिल्कुल अलग है, अलग। लेकिन देखिए जो कठिन चीज है वो हम सीख जा रहे हैं, लेकिन जो सरल चीजें हैं जो हमारी अपनी हैं उसे हम सीखने में हिचकिचाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब आप कार्यालय में काम करवाते हैं तो किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित करते हैं, या क्या कुछ कार्यक्रम आपके यहाँ होता है जिनमें वो भाग लेकर अपने जो ज्ञान को समय समय पर उनका संवर्धन कर सके,
तो क्या कुछ आप उनके लिए विशेष आयोजन वगैरह करते हैं? जी निश्चित रूप से हम लोग कार्मिकों के लिए समय समय पर विभिन्न आयोजन करते रहते हैं। चूंकि कार्मिक शिक्षण स्तर का ज्ञान लेके आता है तो उसको हमें कार्यालय स्तर पर सक्षम बनाना है जी। तो हम लोग जो कि हमारे वार्षिक कार्यक्रम में भी ऑलरेडी लिखा गया है, पहले से ही दिया गया है कि आपको हम लोग निश्चित रूप से तिमाही कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। हर तिमाही पे हम लोग कार्मिकों को नामित करते हैं कि वो कार्यालीन जो शब्दावली है, कार्यालीन जो कार्य है उनको कैसे कर सके। और उसके अलावा हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं, ना केवल कार्मिकों के लिए बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी हम लोग उसका आयोजन करते हैं। और हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी निश्चित रूपेण किया जाता है, जिसमें हम लोग 15 दिन तक एक हिंदी सप्ताह कह लीजिए या हिंदी आयोजन कह लीजिए, हम लोग उसको आयोजित करते हैं। और साथ ही साथ उनमें प्रोत्साहन और एक हिंदी के प्रति रुचि बनी रहे तो उसके लिए हम लोग विभिन्न सम्मेलनों का भी आयोजन करते हैं, जिसमें हम लोग कार्यालयीन सम्मेलन के अलावा एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन करें, ताकि हिंदी के प्रति उनकी जो रुचि है, हाँ, जो उनकी जिज्ञासा है वो जरूर बनी रहे। क्योंकि अंदर की मन में हमारे अगर हिंदी के प्रति प्रेम रहेगा तो हम निश्चित रूप में कार्यालय के कार्य कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि अलग अलग चीजें आप करते हैं, ये नहीं कि खाली आप प्रशासनिक शब्दावली ही पढ़ा रहे हैं या प्रशासन से जुड़े हुए कार्य ही करवा रहे हैं, आप उनको उसमें कैसे वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं भाषा के माध्यम से, जैसा आपने बताया कि कवि सम्मेलन करवाते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर थोड़ा उत्साह आता है, थोड़ी जिज्ञासा आती है कि हम ये सीखें, हम ये सुने। जैसे मैडम ने बताया कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं तो उसके शब्दों को पकड़कर लोग पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो जो जिज्ञासा वहां पर जाग रही है उसको आप पूर्ण कर रहे हैं और एक अलग नया रंग जो है हिंदी का वो भी आप दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है ये कार्यालय के लिए और उत्साह से उसमें लोग भाग भी लेते होंगे। मैडम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भविष्य में हमें और क्या कुछ करना होगा जिससे हम पूर्ण अपने लक्ष्यों को कर सके। जी, तो इस संबंध में फिर से मैं प्रधानमंत्री जी को याद करूंगी। जी, उन्होंने जो सूत्र प्रस्तुत किए हैं हम सभी अच्छी तरह अवगत हो चुके हैं अभी, प्रेरणा से लेकर प्रयास तक। जी, तो उन्हें हमें जरूर हिंदी कार्यान्वयन के मामले में भी अपनाना चाहिए, प्रेरित करें, पुरस्कार दें और प्रशिक्षण देने के बाद उसका प्रयोग जरूर करवाएं। क्योंकि जब हम किसी भाषा का या कह लीजिए किसी भी ज्ञान का जब तक प्रयोग नहीं करते हैं तो बस वो हमारे मस्तिष्क में एक स्मृति के तौर पर, कह लीजिए आजकल की भाषा में, वो फीड हो जाता है, बनी रहती, हाँ, है। बना रहता है जी। और धीरे धीरे समय के साथ साथ डिलीट भी होने लगता है लगता है जी। तो इस तरह से राजभाषा को हमें मतलब केवल प्रशिक्षण देकर छोड़ देना नहीं चाहिए, उसका प्रयोग भी उतना ही आवश्यक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा जो बल दिया है वो है प्रयास पर। प्रयास हमें हमेशा करते रहना है जी। निराश होकर, हताश होकर, हतोत्साहित होकर छोड़ने जैसा मुद्दा राजभाषा नहीं है। जितना प्रयास करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, हिंदी का प्रयोग करेंगे तो अवश्य राजभाषा पूरे तौर पर कार्यान्वित हो जाएगी। इस मामले में एक प्रसिद्ध गाने की पंक्ति यहाँ मैं उद्धृत करना चाहूंगी, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की गंगा बहाते जी। आपने प्रयास का बहुत अच्छा यहाँ पर उल्लेख किया और प्रयास तो हम लोग जैसे बचपन से ही जानते हैं कि करत करत अभ्यास और जोड़ना चाहूंगी, जो कोशिश ही नहीं करते उसकी कभी जय जयकार नहीं तो हमें हिंदी की जय जयकार नहीं होती जी, और जो कोशिश नहीं करता उसकी जय जयकार नहीं होती। और प्रयत्न जो है वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति बोध सुजान, रसरी आवत जाते सिल्पर भरत निशान। जी, तो उसी तरह से अगर हम सभी लोग आपस में तालमेल बनाकर आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर, जैसे मैडम ने कहा, कि हम अपने निकट भविष्य में पूर्ण रूप से कार्यालयों में काम कर सकेंगे। मैडम, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे किसी भी भाषा में अगर रोजगार जुड़ा हुआ हो तो उसका विकास जल्दी होता है, जी हाँ, जी हाँ। तो हिंदी में क्या कुछ रोजगार के प्रावधान हैं, उन पर हमें थोड़ा सा जानकारी आप दीजिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा अनुराधा जी, जब किसी विषय या भाषा को हम वृत्ति से जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, अपितु लोग उसे अनायास ही
अपनाने लगते हैं क्योंकि उसमें वे अपना भविष्य देखते हैं। तो हिंदी भी अब ऐसा विषय नहीं रहा कि हिंदी पढ़ के केवल आपको घर बैठना है। हिंदी में व्यापक रूप से अभी रोजगार का प्रावधान हो चुका है क्योंकि ये इंटरनेट का युग है जी। और हमारी भाषा जैसे कि विश्व हिंदी दिवस जब हम मना रहे हैं तो कई देशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। 115 देश ऐसा एक आंकड़े के अनुसार जी। विश्व के 115 देशों में हिंदी विषय के तौर पर पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हिंदी में जहां तक रोजगार की बात है, केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवादक, हिंदी टंकक, हिंदी आशुलिपिक, हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, इन सब के अलावा रिसर्च असिस्टेंट जो होते हैं, अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सहायक, ये पद तो हैं ही। इसके बाहर भी आजकल हिंदी का बोलबाला है। अच्छा, उदाहरण के लिए पत्रकारिता का क्षेत्र लें, चाहे वो मुद्रित पत्रकारिता हो, प्रिंटेड मीडिया हो जी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह हिंदी के रोजगार आपको मतलब धड़ल्ले से मिल जाएंगे जी। उदाहरण के लिए कई चैनलों में समाचार वाचन, समाचार संपादन, समाचार कह लीजिए प्रतिपादन, इन सब के जो क्षेत्र हैं, इसमें हिंदी भाषियों की बहुत बड़े स्तर पर दरकार हो रही है। तो जो लोग हिंदी विषय पढ़कर आते हैं और उसके साथ साथ यदि पत्रकारिता के कुछ विषयों की जानकारी उन्हें होती है तो उनके जैसा कैरियर किसी और का नहीं बन पाया है। तो बहुत इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने हिंदी एमफिल के साथ साथ मैंने स्वयं पत्रकारिता का डिप्लोमा किया है भारतीय विद्या भवन से। तो मुझे खुद ये लगता है कि काफी ज्ञान जब आप भाषा के साथ पत्रकारिता पढ़कर आते हैं तो बहुत कुछ आप इस क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि किस तरह से रोजगार जो है अगर वो भाषा के साथ जुड़ जाता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है और लोग उसको और सीखना चाहते हैं रोजगार के माध्यम से। तो मैं रमेश जी आपकी तरफ रुख करती हूँ कि किस तरह से जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं आजकल, जैसा कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो यहाँ पर भी भाषा को लेकर काफी काम हो रहा है और हिंदी का विस्तार काफी हमने देखा है। तो किस प्रकार का माहौल आप देखते हैं बाहर टेक्निकल क्षेत्र में? अनुराधा जी, क्या है कि हमारा जो भाषा है वो जनमानस की भाषा है और हम भारत में कोई भी व्यापार करें या कोई भी हम नौकरी करते हैं तो हमें लोगों की भाषा से जुड़ना है। बिल्कुल। तो लोगों की भाषा से जुड़ने के लिए हमें, अब जैसे चाइना की कोई कंपनी आएगी या किसी विदेशी कंपनियां भारत में काम करेंगी तो भारत की भाषा में कार्य करेंगी। आप अमेजोन को ले लीजिए, आप जो अभी इको डॉट करके नए फंक्शंस आए हैं जिन पे लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर, लेकिन भाषा का प्रारूप वही रखा है क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा जनमानस है वो हिंदी से जुड़ा हुआ है। तो जितना ज्यादा हम हिंदी भाषा को अपनाएंगे उतना ज्यादा उनकी बिक्री होगी और व्यापार बढ़ेगा। तो इन्हीं सोपानों पर हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि मैम ने जिक्र किया कि हम भाषा को रोजगार से जोड़ते हैं, देखिए एक बच्चा भी अपनी पढ़ाई करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसको परीक्षा में पास होना है। अगर हम उनके अंदर वो पास होने वाला एक प्रारूप नहीं रखेंगे तो वो उसमें अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से जब व्यापार में वो चीजें उतर रही हैं हिंदी में काम करने के लिए तो सब लोग उसकी ओर भाग रहे हैं और सब लोग काम कर रहे हैं हिंदी में और सीखने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तकनीकी जो कि हमारे नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ेंगी उतना ज्यादा आविष्कार होगा, तो विभिन्न तकनीकी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां इसमें कार्य कर रही हैं और नए नए सॉफ्टवेयर को, जैसे कि मैम ने बोला कि अभी माननीय गृहमंत्री जी ने सॉफ्टवेयर का अपना वो कंठस्थ का प्रारूप सबके सामने रखा और उसके अलावा भी बहुत से हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। यूनिकोड है, वॉइस टाइपिंग है और उसके अलावा भी अभी भी जो गूगल है उस पर काम कर रहा है और आने वाले टाइम पे आई थिंक जो हम लोग सुन रहे हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे वो अपने आप ऑटो करेक्ट करके उसको संप्रेषित कर देगा। तो इस तरह की अगर तकनीकी आ जाए तो सीखने में भी भाषा बहुत आसान हो जाती है और आसानी से जब हम कोई चीज सीख लेते हैं तो उसको पढ़ना या उसमें अपना रोजगार के लिए उसको जरिया चुनना बहुत ही आसान हो जाता है। जाते जाते मैं चाहूंगी कि आज के जो हमारे दर्शक हैं उनको आप आज के विशेष दिन पर कुछ संदेश देते जाएं। सभी को विश्व दिवस की शुभकामनाएं। त्रिभाषा सूत्र के रूप में अगर आप आगे बढ़ेंगे, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी और विदेशी भाषा जो भी हो, त्रिभाषा सूत्र को आप अपनाएंगे
तो आप अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं। हिंदी भाषा को अपनाइए, पूरी दुनिया को अपने वश में लीजिए। बहुत सुंदर आपने संदेश दिया सत्यनारायणा जी। डीएवी स्कूल से आप आते हैं कंचनबाग में, प्रकाश डीएवी स्कूल जी, बीपीडीएवी स्कूल। तो बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने बताया जो आपकी प्रणाली है, अगर उसी तरह से हमारा कार्य चलता रहा तो निश्चय ही जो हम कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था वो पुनः होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मैडम, मैं चाहूंगी कि जाते जाते एक संदेश हमारे दर्शकों को दे। हाँ अवश्य अनुराधा जी, मेरा संदेश मुख्य रूप से युवा वर्ग के लिए है। अब हिंदी केवल साहित्यिक पुस्तकों या उपन्यासों की भाषा नहीं रही, हिंदी तकनीक से जुड़ चुकी है जिससे युवा वर्ग काफी प्रभावित है टेक्निक से। आप मोबाइल में भी हिंदी लीला ऐप डाउनलोड करके हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा का प्रशिक्षण घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, और अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी हिंदी भाषा को अच्छे से आप सिखा सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में 14 सितंबर 2022 में ही सूरत में जो विशाल सम्मेलन हुआ था, उस दौरान माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने कंठस्थ 2.0 का उद्घाटन किया था जी, जो काफी हद तक सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। उसमें स्मृति आधारित अनुवाद को प्रश्रय दिया गया है, उसका प्रयोग करके भी युवा वर्ग आसानी से अन्य भाषा के उपन्यासों, कहानियों, चलचित्रों का अनुवाद कर सकता है और एक नया करियर इसमें बना सकता है। तो बहुत संभावनाएं हैं हिंदी में आगे अपना करियर बनाने की। जैसे पत्रकारिता हुआ या यूट्यूब हुआ, आप देखिए तमाम चैनलों में हिंदी के मतलब हिंदी को छोड़कर या हिंदी के अभाव में कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम प्रचलित नहीं हो पाता है। जहाँ हिंदी है समझ लीजिए कि वो कार्यक्रम चल निकला जी। तो बहुत संभावनाएं हैं, आप लोग हिंदी को अपनाइए, और ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है और भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य भी है। बिल्कुल, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें हमारे लिए रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं जी, बिल्कुल संभावनाएं हैं। अब देखिए विदेशों की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं भारत में, और अगर उनको अपना उत्पाद बेचना होता है तो वो यहाँ की जो हमारी प्रादेशिक भाषा है या तो उसका सहारा लेती है या फिर हिंदी का सहारा लेती हैं। तो वो भी अगर अपने आप को यहाँ पर चाहती हैं मुनाफा कमाना तो हमारी भाषा उन्हें सीखनी पड़ती है जी। तो मैं रमेश जी आपकी तरफ आती हूँ कि जाते जाते आप चूंकि तकनीकी क्षेत्र से हैं, और ये भी बताइए कि अभी क्या कुछ नया हिंदी में हुआ है कंप्यूटर पर या मोबाइल पर, हम क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही एक संदेश हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल अनुराधा जी, देखिए भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप अपने विचारों को कैसे दूसरे को संप्रेषित कर सकें, जिसके लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैम ने भी जिक्र किया कि भाषा को मुख्य रूप से हमें उस सोपान तक ले जाना है ताकि वो दूसरे की समझ में आ जाए। अब तकनीकी क्षेत्रों से बात करें तो जैसा कि जिक्र किया गया कि हम अभी पेपर पर अभिव्यक्ति करते थे पहले, अभी हम कंप्यूटर पर अभिव्यक्ति कर रहे हैं, डिजिटल गजेट पे हम लोग अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो उस पे जितना ज्यादा हम हिंदी को टाइप करने के संसाधन ढूंढेंगे, उनको अच्छी तरह करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूपेण आज के युग में भी हिंदी आगे बढ़ेगी और उन्नति की ओर जाएगी। तो जैसे कि भारत सरकार भी विभिन्न प्रयास कर रही है लोगों में इस चीज की जागरूकता लाने के लिए, जैसा कि आज हम लोग विश्व हिंदी दिवस के मंच पर भी बैठे हैं। तो इस मंच का अगर हम प्रारंभ बात किया जाए, जैसा कि जिक्र किया गया कि हिंदी सम्मेलनों से इसका एक श्रृंखला सी लगाई गई श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल से, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मनमोहन सिंह जी ने तय किया आधिकारिक तौर पर कि हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। उन सम्मेलनों को हम लोगों को जारी रखना है, लोगों में प्रोत्साहन बना के रखना है, क्योंकि जब तक अंतरात्मा तक हिंदी नहीं पहुंचेगी तब तक वो विचारों में और आपकी कलम में नहीं आत्मसात हो पाएगी। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अपने अंदर हिंदी की ज्वाला जगाए रखें, और ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है, और मैं तो कहूंगा कि आपका एक कर्तव्य भी है कि आपको हिंदी को आगे बढ़ाना है।
तकनीकी क्षेत्रों में आप तकनीकी रूप से इस पे आप विकास कीजिए, या जो भी आप सोपान पे आप आ रहे हैं कार्य कर रहे हैं उस पे कार्य करिए और हिंदी को आगे बढ़ाइए। वाह, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और किस तरह से आपने बताया कि अभी जो हमारे ये विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहे हैं उनको जारी रखना चाहिए। इसी क्रम में मैं बताऊं कि अगले महीने यानी कि फरवरी में हमारा फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है, तो जो भी दर्शक उसमें भाग लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर वहां की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर आज इस विश्व हिंदी दिवस के दिन हमारे साथ यहाँ पर परिचर्चा में भाग लिया। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मन के जो भाव होते हैं उन्हें हम अपनी भाषा में ही व्यक्त करते हैं। जब एक बच्चा रोता है या गिर जाता है तो वो अपनी भाषा में ही अपनी माँ को पुकारता है। उसी तरह से उसी प्रकार से जब तक हमारे रगों में हिंदी वास नहीं कर जाती तब तक हमारा जो ये उद्देश्य है, भारत सरकार का ये जो उद्देश्य है, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा। तो आज के दिन हम एक प्रण लें कि रोज भले एक ही शब्द सीखें, कुछ नया पढ़ें, कुछ नया सीखें, लेकिन हिंदी में पढ़ें और हिंदी में बोलें। इस प्रण के साथ हम निश्चय ही अपने देश को पुनः वो गौरव प्रदान कर सकते हैं जो गौरव उसे प्राप्त था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेती हूं अलविदा, और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगी, हिंदी से मेरी पहचान, हिंदी से तेरी पहचान, हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है भारत की शान। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।